हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले इंटरनेट गेमर कैफे सिमुलेटर। और जिन लोगों को इस गेम के बारे में पता नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं। तो इस गेम में हम एक कैफे के ओनर हैं और हमारी कैफे में लोग गेम खेलने के लिए आते हैं और वो हमको पैसे देते हैं और उन्ही पैसों से हमें अपने कैफे को बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। और मैंने इस गेम में ऑफलाइन कुछ प्रोग्रेस की है, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। बट उससे पहले हम अपनी शॉप को ओपन कर देते हैं। तो गाइस, हमारी शॉप तो ओपन हो चुकी है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ऑफलाइन क्या क्या प्रोग्रेस की है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमारे पास 2 कंप्यूटर थे, बट गाइस अभी हमारे पास 3 कंप्यूटर हो चुके हैं क्योंकि इस कंप्यूटर को मैंने ऑफलाइन बनाया था। और गाइस, ऑफलाइन मेरा लेवल अप हो गया था और मैं लेवल 3 पर पहुंच गया था। एंड लेवल 3 के पहुंचने के बाद मेरा ये आर्केड जोन अनलॉक हो गया और इस आर्केड जोन में हमारी आर्केड मशीन आएंगी। और ये रहा हमारा आर्केड रूम और इस एपिसोड में हम आर्केड मशीन खरीदेंगे। फिलहाल एक बंदा आ चुका है हमारी कैफे में और इसको द बैटमैन पावर नाम का गेम खेलना है, तो मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। एंड गाइस, ये लड़की गेम खेलने के लिए चली गई है। और गाइस, अभी हम अपने कंप्यूटर को खोलते हैं और ऑनलाइन आर्केड मशीन को परचेस कर लेते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी आर्केड मशीन। तो इसमें से बस हमारी एक ही अनलॉक है और बाकी दो हमारी लेवल 4 और लेवल 5 पर अनलॉक हो जाएंगी। और गाइस, ये आर्केड मशीन 500 रुपीज की है, वैसे महंगी है लेकिन मैं इसको परचेस कर लेता हूँ। एंड गाइस, हमारी आर्केड मशीन आर्केड जोन में आ गई होगी। तो चलो गाइस, अभी अपनी हम आर्केड मशीन को देखते हैं। और गाइस, ये देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, काश हम भी इसमें गेम खेल पाते। तो चलो गाइस, अभी कोई कस्टमर हमारा वेट कर रहा है, तो गाइस मैं उसको अप्रूवल दे देता हूँ उसको कोई गेम खेलना होगा। तो गाइस, इसको रेड ड्यू गेम खेलना है तो मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। और गाइस, ये बंदा चला गया है। और गाइस, अभी मैंने देखा लेवल 3 में पहुंचने के बाद गाइस काफी सारे गेम भी आ चुके हैं इस गेम में। और गाइस, अब हमारे कस्टमर इन गेम को भी खेलेंगे, तो मैं इन गेम को भी परचेस कर लेता हूँ। और फिलहाल मैंने 2 गेम परचेस कर लिए और मेरे पैसे भी खत्म हो गए हैं। तो गाइस, हम इन दोनों गेम को हमारे 3 पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस, ये गेम हमारे पीसी में इंस्टॉल होने लगे हैं। एंड गाइस, अभी हमारा एक कस्टमर आ गया है और इसको गोस्ट वॉर नाम की गेम खेलनी है, तो गाइस मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। जब बेटे मौज कर। एंड गाइस, अभी आपको मेरी वॉइस में भी थोड़ा बहुत चेंज आया होगा क्योंकि गाइस ये वॉइस मेरी न्यू माइक से रिकॉर्ड हो रही है। एंड गाइस, अगर आपको ये वाला माइक परचेस करना है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। एंड गाइस, इस लड़के का टाइम पूरा हो गया है तो लाओ जल्दी से पैसे दे दो। एंड गाइस, इसने हमें दिए 103 रुपीज। और गाइस, अभी हमारे पास रुपीज हो गए 248। तो इतने रुपीज में एक गेमिंग टेबल तो आ ही जाएगी, तो गाइस हम एक गेमिंग टेबल को अभी परचेस कर लेते हैं। एंड गाइस, हमारी गेमिंग टेबल आ गई है और गाइस अभी एक कस्टमर भी आ चुका है और इसको बैंक रोबरी गेम खेलना है। अच्छा, तू बैंक में रोबरी करेगा? गाइस, मुझे ये बंदा सही नहीं लग रहा है, फिर भी गाइस मैंने इसको अप्रूवल दे दिया है। एंड गाइस, अभी हम एक गेमिंग चेयर भी ऑर्डर कर लेते हैं, सबसे सस्ती वाली, क्योंकि गाइस अभी हम गरीब हैं इस गेम में। तो गाइस, मैं इस चेयर को ऑर्डर कर देता हूँ। एंड गाइस, हमारी चेयर आ गई है और इस बंदे का भी टाइम पूरा हो गया और गाइस एक बंदा आ चुका है गेम खेलने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं पैसे कलेक्ट कर लेता हूँ और गाइस अब मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। बट गाइस, ये गेम तो हमारे पीसी में इंस्टॉल ही नहीं है, सो गाइस मुझे इस कस्टमर को रिफ्यूज करना पड़ेगा। और गाइस, सबसे पहले इस गेम को मैं अपने 3 पीसी में इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके गाइस, ये गेम हमारी 3 पीसी में इंस्टॉल होने लगी है। और गाइस, अभी ये 2 गेम और रह गए हैं, बट मेरे पास अभी पैसे खत्म हो गए हैं, तो गाइस मैं इनको अभी नहीं खरीद सकता। और गाइस, अभी हमारे सारे कस्टमर गेम्स खेल रहे हैं और इस दूसरे पीसी पर कोई नहीं खेल रहा। गाइस, ये हमारी शॉप पर पहली बार हुआ है कि हमारे पास कंप्यूटर है पर उस पर कोई कस्टमर गेम नहीं खेल रहा। तो फिलहाल मैं किसी कस्टमर के आने का वेट करता हूँ। तो गाइस, बहुत देर के बाद गाइस एक कस्टमर आ गया है और गाइस इसको फोर्स ब्लड नाम का गेम खेलना है, तो गाइस मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। एंड गाइस, ये लड़की चली गई है। एंड गाइस, अभी हमारे 3 पीसी कवर हो गए हैं और अभी हमारा 4th पीसी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो भी मैं इसी एपिसोड में कंप्लीट कर दूंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो। एंड गाइस, अभी एक और कस्टमर आ गया है और गाइस इसको द सीयू नाम का गेम खेलना है, बट गाइस हमारे 3 पीसी पर अभी कस्टमर गेम खेल रहे हैं और इनका अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है। जैसे गाइस इनका टाइम पूरा हो जाएगा मैं उसको अप्रूवल दे दूंगा। और गाइस, अभी एक और कस्टमर आ गया है बट उन लोगों का अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ है। ओके गाइस, एक कस्टमर का टाइम पूरा हो गया है और इसने हमें 134 रुपीज दे दिए हैं। और गाइस, अब मैं इस कस्टमर को अप्रूवल दे देता हूँ, बट गाइस ये वाली गेम तो हमारे पास है ही नहीं। तो गाइस, ये कस्टमर गुस्सा होकर चला गया है। और गाइस, अभी एक कस्टमर पैसे देकर जा चुका है, तो गाइस हम इन पैसों को कलेक्ट कर लेते हैं और इसने हमें दिए 173 रुपीज। और गाइस, अभी इस बंदी को भी बैंक रोबरी खेलना है, तो मैंने इसको अप्रूवल दे दिया है। और गाइस, ये वाला कस्टमर खुश हो गया है, तो गाइस अभी हम उन गेम्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं जो गाइस हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। तो गाइस, ये रहा है वो गेम। तो मैं सबसे पहले द सीयू नाम का गेम परचेस कर लेता हूँ और इसको अपने 3 पीसी में इंस्टॉल कर देता हूँ। और गाइस, अभी हम इस दूसरे गेम को परचेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। और गाइस, ये लास्ट गेम रह गया जिसको हमें परचेस करना है। और गाइस, अभी एक और बंदा आ गया है और इस बंदे को फोर्स ब्लड नाम की गेम खेलनी है, तो मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। एंड गाइस, अभी एक और फिर से कस्टमर आ गया है, बट गाइस एक सिमिलर प्रॉब्लम बार बार आ रही है कि हमारे पास पीसी पर्याप्त नहीं है, तो मुझे जल्दी से जल्दी बहुत सारे पीसी बनाने होंगे, फिर हमारे कैफे से कोई भी वापस नहीं जाएगा। एंड गाइस, अभी एक और
कस्टमर आ गया है और उन लोगों का अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो गाइस अभी मुझे ना चाहते हुए भी इन दोनों लोगों को वेट करवाना पड़ेगा। तो गाइस इस कस्टमर का टाइम पूरा होने वाला है एंड गाइस इसका टाइम पूरा हो गया है और गाइस इसने हमें 131 रुपए भी दे दिए हैं। और गाइस अभी मैं इन मोटे अंकल को भी अप्रूवल दे देता हूँ, बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे थे। और गाइस अभी हमारे पास पैसे 275 हो गए हैं, तो मैं उस लास्ट वाले गेम को भी परचेस कर लेता हूँ जो मैंने पहले परचेस नहीं कर पाया था। तो गाइस ये रहा वो गेम, तो मैं इसको परचेस कर लेता हूँ एंड गाइस अभी मैं इसको तीनों पीसी में भी इंस्टॉल कर देता हूँ। और गाइस अभी हमारे पास सारे गेम्स हो चुके हैं, वैसे इस गेम में अभी और भी गेम है बट वो लेवल 5 और लेवल 7 पर अनलॉक होंगे। और गाइस अभी मैं पहले जितना गरीब हो गया हूँ क्योंकि गाइस अभी मेरे पास बचे 65 रुपीज। और गाइस अभी यहाँ पर 3-3 लोगों की भीड़ लगी हुई है, गाइस मुझे भी देखने में बहुत ही हैरानी हो रही है। और गाइस इन लोगों का टाइम तो अभी बहुत देर में खत्म होगा। तो गाइस बहुत देर के बाद एक बंदे का टाइम पूरा हो गया है, तो गाइस अभी मैं जाकर रुपए कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इसने हमें दिए 221 रुपीज एंड गाइस इस लड़की को आर्केड मशीन में गेम खेलना है, तो गाइस मैं इसको अप्रूवल दे देता हूँ। और गाइस ये फर्स्ट कस्टमर है जो आर्केड मशीन में गेम खेलने के लिए गया है। एंड गाइस अभी हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हो गए हैं, तो हम कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स ऑर्डर कर लेते हैं। तो हम मॉनिटर को ऑर्डर कर लेते हैं एंड अभी 20 रुपीज की कीबोर्ड को भी कर लेते हैं और हम माउस को भी ऑर्डर कर लेते हैं। एंड अभी हम इसका बिल चेक करते हैं, तो इसका बिल बन चुका है 142 एंड गाइस हमारे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। एंड गाइस अभी मेरे पास थोड़े बहुत रुपए बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ग्राफिक कार्ड भी हम ऑर्डर कर लेते हैं। एंड गाइस हमारा ग्राफिक कार्ड भी बहुत ही जल्दी आ गया है। एंड गाइस अभी हम इन सारे सामानों को भी असेंबल कर देते हैं, तो गाइस इसमें मॉनिटर एंड गाइस हम मॉनिटर को भी असेंबल यहाँ पर कर देते हैं। तो डन गाइस हमारा मॉनिटर असेंबल हो गया है। एंड गाइस अभी हम दूसरे प्रोडक्ट को लेने चलते हैं, तो गाइस इसमें हमारा कीबोर्ड एंड गाइस हमारे पास कीबोर्ड आ गया है, तो चलो गाइस हम इसको भी ले जाकर असेंबल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसको हम रख देते हैं एंड गाइस अभी हम माउस को लेकर आते हैं। बट गाइस अभी कोई कस्टमर गया है, तो गाइस हम पैसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसने हमें दिए हैं 144 रुपीस और अब हम गाइस इस कस्टमर को भी अप्रूवल दे देते हैं। एंड गाइस अभी हम इससे माउस को निकाल लेते हैं एंड गाइस माउस हमारे पास आ गया है, तो चलो गाइस हम चल के माउस को भी असेंबल कर देते हैं। तो गाइस यहां पर हम माउस को रख देते हैं एंड गाइस अभी हमें इस कंप्यूटर में सीपीयू और ग्राफिक कार्ड और लगाना है, फिर ये कंप्यूटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और गाइस अभी एक कस्टमर का टाइम पूरा हो गया और इसने गाइस हमें पैसे दे दिए, तो चलो गाइस हम पैसे को जाकर कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस इसने हमें दिए 210 रुपीस, तो गाइस इतने में तो हमारा सीपीयू बहुत ही आराम से आ जाएगा। और गाइस अभी मैंने एक बंदे को अप्रूवल दे दिया, तो चलो गाइस सबसे पहले हम सीपीयू को ऑर्डर कर लेते हैं, फिर गाइस हमारा पूरा कंप्यूटर रेडी हो जाएगा बनके। तो गाइस ये रहा सीपीयू और ये 280 रुपीस का है, तो गाइस हम इसको परचेस कर लेते हैं। एंड गाइस हमारा सीपीयू आ गया, तो चलो गाइस सबसे पहले हम सीपीयू कंप्यूटर में लगा देते हैं। और गाइस एक कस्टमर आ गया और गाइस इसने हमें पैसे दे दिए हैं। और गाइस अभी मैं इस लड़की को भी अप्रूवल दे देता हूं, तो गाइस ये लड़की चली गई है। और गाइस अभी हम भी चलते हैं और अपने सीपीयू को अनबॉक्स करते हैं। एंड गाइस हमारे पास बड़ा सीपीयू आ गया है, तो चलो गाइस चल के इसको भी हम लगा देते हैं। तो डन गाइस ये भी हमारा लग चुका है और अब हम ग्राफिक कार्ड को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड गाइस हमारे पास ग्राफिक कार्ड आ गया और गाइस इसे लगाने के बाद हमारा पूरा कंप्यूटर रेडी हो जाएगा। और गाइस हमारा चौथा कंप्यूटर बनके रेडी हो गया है। एंड गाइस आज के हमने इस वीडियो में आर्केड मशीन खरीद ली और गाइस सारे गेम्स भी परचेस कर लिए और गाइस अभी हमने एक कंप्यूटर भी बना लिया है। तो गाइस आज मैं बहुत ही हैप्पी हूं एंड गाइस अगर आप भी हैप्पी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज गाइस कर दो। एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और आपको सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं दोनों काम को करने में, सो प्लीज गाइस कर देना। एंड गाइस अगले वीडियो में क्या करूं ये भी मुझे कमेंट में बता देना। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।